इसमें, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। टाटा स्टील लिमिटेड, आज हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे। काफ़ी गिरावट आ चुकी है इस स्टॉक में, अपने हाई से काफ़ी नीचे है क्योंकि इनका जो शुद्ध मुनाफा था, लाभ था, नेट प्रॉफिट था, उसमें करीब करीब 64% के आसपास गिरावट है ईयर ऑन ईयर। तो इस तरीके से अगर हम इनके फाइनेंशियली पहले देख लेते हैं, देखिए नेट सेल्स रही इनकी जून 19 में यानी क्वार्टर वन में 35,382 करोड़ की, जबकि मार्च 19 में थी 41,186 करोड़। तो यहाँ भी डाउन साइड है। और अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, मतलब जहाँ जहाँ इनकी सब्सिडरीज कंपनियाँ हैं, अब सब्सिडरीज भी देख लेते हैं, हम दिखाएंगे कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पे जहाँ मार्च 19 में थी नेट प्रॉफिट इनकी क्वार्टरली 2382 करोड़ की, वहीं हो गई जून 19 में 710 करोड़ की, जबकि जून 18 में थी 1951 की और जून 19 में 710 करोड़। तो यानी कि यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही, क्वार्टर एंडेड 63.58% एंड क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ इन क्वार्टर एंडेड जून 19 इज 70.18% वर्सेस 4.22% इन मार्च 2019। तो नेट प्रॉफिट इनका काफ़ी डाउनसाइड है, इस वजह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, हम प्राइस भी देखेंगे। दूसरी जो चिंता करने वाली सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 3.51% की यहाँ पे शेयर गिरवी रखे गए हैं, तो ये चिंतित करने वाली बात है। और प्रमोटर्स के पास है 33.12% की, और FIIs भी इसमें ज़बरदस्त होल्डिंग है 13% से ज़्यादा की, म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें 14% से ज़्यादा की होल्डिंग है, LIC भी अपनी इसमें 9% के आसपास होल्डिंग है, इंडिविजुअल्स भी हैं 68% के आसपास। टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी नो डाउट, और इनकी कई जगह पे जो स्टील की भट्टियाँ हैं जहाँ पे इनका उत्पाद होता है, उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और क्या होता है एग्रीकल्चर्स के जो ये आयरन और स्टील्स के हैं, ऑटोमोटिव स्टील्स जो गाड़ियों में प्रयुक्त होते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो ये लोहा इस्तेमाल होता है, स्टील इस्तेमाल होता है, कंज्यूमर गुड्स में ये प्रोडक्ट्स, एनर्जी एंड पावर में भी, इंजीनियरिंग में भी, मटेरियल हैंडलिंग में भी, इस प्रकार के इनके लोहे के प्रोडक्ट्स, स्टील के प्रोडक्ट्स, हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कोटेड कॉइल्स, ट्यूब्स, रिबार एंड वायर रॉड्स वर्ल्ड वाइड इनके जो हैं। और इनकी सब्सिडरीज अगर हम देखते हैं तो किन किन कंट्री, देखिए यूरोप में भी हैं और साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, इंडिया में तो है ही, तो यहाँ यहाँ इनका व्यापार है। और ओवरऑल सारा जो है, सबका मिला के जो भी कंसोलिडेटेड जो भी इनकी सब्सिडरीज थी, वहाँ पे इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, इस वजह से इनका शुद्ध लाभ जो है 64% के आसपास के डाउन साइड है। देखिए डिविडेंड भी इन्होंने लास्ट ईयर जो पे किया, अच्छा इसी साल पे किया, 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 जुलाई 2019 को इन्होंने पे किया अपने इन्वेस्टर्स को, और अपनी इंडस्ट्री में दूसरे पोजिशन पर हैं। जो टॉप सेगमेंट्स में इनको जो रेवेन्यू आता है, टाटा स्टील इंडिया से 35%, टाटा स्टील यूरोप से 32 के आसपास, और अदर ट्रेड रिलेटेड ऑपरेशन 16% के आसपास। तो इस तरीके का टाटा हाउस आयरन एंड स्टील्स का प्राइस 362 के आसपास है, आज जो है 9 अगस्त को था, आज तो है 12 अगस्त, और आज बकरीद इसलिए मार्केट बंद है, सोमवार है, मंडे है। और यहाँ पे जो साल का लो था 360 रुपये और हाई बनाया था 646, तो यानी हाई से काफ़ी नीचे है, तो इस वजह से काफ़ी नीचे है, 50% के आसपास है, मतलब अगर आधा प्राइस है 650 के पहुँचने वाला है, मुझे लगता है कि इसमें और भी गिरावट आ सकती है जिस प्रकार से इसमें ट्रेडिंग हो रही है, बिकवाली हो रही है। और मार्केट कैप है इसमें 43,631 करोड़ की, EPS है 74 का, P/E 4.86 का, बुक वैल्यू देखिए इसका 573 है, बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे प्राइस है, तो प्राइस वाइज वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय, लेकिन क्या हमें इस लेवल पे लेना चाहिए या फिर अभी जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती, या फिर देखते हैं क्या सूचनाएँ आती हैं अगले क्वार्टर में भी। और प्राइस टू बुक 0.63 का है और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला है, 53% के आसपास डिलीवरी है, इंडस्ट्री पी एफ 5.32 की।
तो ये रहे रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो रिटर्न के लिए लंबे समय के लिए तो मैं इसमें रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि 10 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स है, 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न्स, 4 सालों में 45%, 3 सालों में सिर्फ 1-1.5% के रिटर्न, बाकी सब जगह जो है नेगेटिव में ही रिटर्न्स हैं। तो इस वजह से इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बनती लंबे समय के लिए, मैं बिल्कुल भी इसमें कॉल नहीं देख सकता। हाँ, अगर और नीचे जाता है, मान लीजिए 200-250 के आसपास मिलता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग की जा सकती है, और थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट किया जा सकता है कि जब हमें अच्छे लेवल पे ऊपर मिलेगा तब इस पर निकला जा सकता है। तो 250 के आसपास का इसमें मेरा अनुमान है, मेरी कॉल है। आप को जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें अभी और गिरावट आ सकती है, और नहीं आती है तो भी ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको ख़रीदें। टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की, नो डाउट इसमें, बट जिस प्रकार से उनके रिजल्ट्स आए हैं उस हिसाब से इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है। तो 362 रुपये की प्राइस पर ट्रेड किया इसने 9 अगस्त को, और देखते हैं कल मार्केट खुलती है, कल की क्या स्थिति रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो वाइंड अप करता हूँ, और कोई भी स्टॉक ख़रीदने या बेचने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके कॉमेंट्स लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।